एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो सके, हमने एक वर्ष पहले ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया था। कार्य की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। पहली बार प्रयागराज में कुंभ का जो आयोजन होगा, केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे लोगों को। थीम पेंटिंग्स के माध्यम से प्रयागराज और भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अद्भुत अवसर होगा। प्रयागराज कुंभ के जो कार्य कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिसंबर तक, लगभग 3,500 करोड़ रुपये तक के इन कार्यों का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 दिसंबर को स्वयं प्रयागराज की धरती पर आएंगे। इन्हीं सब कार्यों की समीक्षा मैं ले रहा था और अस्थाई प्रकृति के जो कार्य हैं 15 दिसंबर तक ये सब कार्य लगभग पूरे हो जाएंगे। अस्थाई प्रकृति के जो कार्य हैं 30 दिसंबर तक उन्हें कंप्लीट करने का एक अंतिम डेडलाइन को विभिन्न विभागों को दिया गया है और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से प्रयागराज का ये कुंभ, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है, इसको हम भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे।